तीरो देख तो मारे रंगा, रंगा तीरो देख तो मारे
अब हूँ न विसरो ही मोरे ते कब हूँ न विसरो साधक संग तिरो दे तुम्हारे रंग तिरो दे तुम्हारे दे तुम्हारे दे तुम्हारे रंग
मेरो बड़ो तने अगुमा, पिता मेरो बड़ो तने अगुमा, पिता मेरो बड़ो तने अगुमा। उस्तत कवने करी जय करते देख रहे राजन में राजा तू कई है, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी, ठाकुर में ठकराई तेरी, ओ मन सिर को सुखियन में सुखिया तू कहिए दातन सिर दाता, सुखियन में सुखिया तू कहिए, सुखियन में सुखिया तू कहिए दातन में दाता,
सी कई है रसियन में राता पिता मेरो बड़ो तनी अगमा 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 वाहेगुरु सूरन में सूरा तू कहिए ओगिन में ओगी सूरन में सूरा तू कही है ओगिन में ओगी गिस्तन में तू बड़ू गरिस्ती किस्तन में तू बड़ू गरिस्ती किस्तन में तू बड़ू गरिस्ती जोगिन में जोगी जोगिन में जोगी पिता मेरो बड़ो तनी अगमा 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 करतन में तू करता कही है आचरण में आचारी करतन में करता तू कही है आचरण में आचारी साहन में तू साचा साहा साहन में तू साचा साहा व्यापारन में व्यापारी व्यापारन में व्यापारी पिता मेरो बड़ो तनी अगमा पिता मेरो बड़ो तनी अगमा पिता मेरो बड़ो तनी अगमा पिता मेरो बड़ो तनी अगमा
बड़ो धनी तनी अगुमा 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 पिता पिता मेरो बड़ो धनी अगुमा पिता मेरो बड़ो धनी अगुमा वाहिगुरु पिता मेरो बड़ो धनी अगुमा पिता मेरो बड़ो तनी अगुमा दरबार में तेरो दरबारा शरण पालन टीका दरबार में तेरो दरबारा शरण पालन टीका लक्ष्मी के तक गनी न जाइए लक्ष्मी के तक गनी न जाइए गन न सा कोसी का गन न सा कोसी का पिता मेरो बड़ो तनी अगुमा 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 बड़ो धनी अगुमा 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 पिता मेरो बड़ो तनी 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 अगुमा नामन में तेरो प्रभ नामा ज्ञानन में ज्ञानी नामन में तेरो प्रभ नामा ज्ञानन में ज्ञानी जुगतन में तेरी प्रभ जुगता जुगतन में तेरी प्रभ जुगता इस्नानन में इस्नानी इस्नानन में इस्नानी सिद्धन में तेरी प्रभ सीता कर्मन सिर कर्मा सिद्धन में तेरी प्रभ सीता कर्मन सिर कर्मा आज्ञा में तेरी प्रभ आज्ञा आज्ञा में तेरी प्रभ आज्ञा
हुक्मन सिर हुक्मा, हुक्मन सिर हुक्मा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उस्तत कवन करी जे करते पेख रहे बिस्मा, वाहिगुरु उस्तत कवन करी जे करते पेख रहे बिस्मा, पेख रहे बिस्मा, पेख रहे बिस्मा, बड़ो तनी अगमा, पिता मेरो 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 बड़ो तनी अगमा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी, प्रभु की अत प्यारी, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, 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 पिता मेरो पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, 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 पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कवन करी जय करते, उस्तत कवन करी जय करते पेख रहे बिस्मा, पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, जैसा सतगुर सुनीदा
ते सो ही मैडी विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसी हर नाम मंत्र दृढ़ाएदा कट्टे हो मेरो नानक सतगुर तिना मिलाया जिन तुरे पिया संजो जिन तुरे पिया संजो। सन्मान योग गुरु की सवारी सत्संग जियो आओ प्यार नाल सारे माई भाई मत्था टेको कोई भी रसना वाजी ना रवे सारे अदस्तकार नाल गज के आखो सतनाम श्री शहनशाह पातशाह दो जहान वाली दीन दुनी दे मालिक गरीब नवार पातशाह सोहने जी हर मंदरां दे अंदर हजूर सशोभित हन प्यार दे नाल कीर्तन हो रहे है पिता मेरो वडो धनी अगमा उसत तो कवन करी जय करते पेख रहे बिस्मा दुनिया दे लोकां ने ते सिफत करनी होई उसत तो करनी होई 33 करोड़ देवता हजूर दी हाजरी दे विच रोजाना ही हजूर दी उसत करदा है दतार पीतम पातशाह सोहने जे सिंघासना ते विराजमान हन कौन मेरे छेवें गुरु नानक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सचे पातशाह संगत ने खलो के अरदास कीती दूर तो संगत आई हुई सी गरीब नवाज एक बेनती करना चाहते हाँ हजूर कहन लगे कहो गुरसिखो की कहना चाहते हो सचे पातशाह महल बनाए हन घर बनाए हन जे तुसी चरण पावो असा सुने कि जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे ओ थान सुहावने हो जाते ने जिथे सतगुरु के चरण पै जान जिथे संगत के चरण पै जान अज ये ग्रह पावन है अज ये ग्रह पवित्र है जिथे संगत ने चरण पाए जिथे गुरु ने चरण पाए जिथे गुरु के सोहने जे प्रकाश होए दसा पातशाहिया की जागदी जोत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह जी की पावन उची ते सुची बाणी दा प्रकाश होया सा संगत आओ सारे मिलके मत्था टेको आखो धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह मेरे दतार पीतम पातशाह मेहर करो साडे ग्रह विखे वी चरण पाओ अज गुरमुखा ने मन विच संकल्प कीता होया सी कि साध संगत दे चरण पैण गुरु दे चरण पैण हर एक गुरसिख चाहुंदा है कि मेरे घर गुरु दे चरण पै जाण गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन मैं तारा गरीब नवाज साडे गरीबां दे घर आप जी चरण पाओ ते हजूर दा प्यार भी गरीबां दे नाल सी गरीबां दे नाल सदा ही गुरु नानक पातशाह जी ने गरीबां नाल प्यार कीता है जितनियां पातशाहियां होईयां सारियां ने गरीबां दे नाल प्यार कीता है इसे वास्ते सारियां पातशाहियां नूं गरीब नवाज आख्या जांदा है उस दी दरगाह दे विच भावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाग रखे ताहे गुर सर्व निधान दान देता है उत्थे कौड़ी भी आके तुसीं रख दिओ पर अंदर भावना होवे अंदर प्यार होवे सिदक होवे ओह प्रवान हो जांदी है साहिब सचे पातशाह जगत मालिक अंतरजामी सतगुर सचे पातशाह जी प्यार विच आके कहण लगे गुरसिखो असीं आवांगे भाई जरूर दर्शन देंगे समा नियत हो गया है उन्हां समयां दे जदों गुरु साहिबान किसी भी पिंड विच जाया करदे सन दूर दूर तो हुक्मनामे दे के संगतां नूं बुला लिया जांदा सी दूर दूर तो संगतां आके हजूर दे दर्शन करन वास्ते आया करदियां सन पर अज जदों हजूर गरीब नवार पातशाह जी दा हुक्मनामा लैके गुरसिख पहुंचे किथे बकाले बकाले पिंड तो आए हुए सन जाके संगतां नूं हुक्मनामे भेज दिते कि फलाने दिन गुरु हरगोबिंद साहिब सचे पातशाह दीन दुनी दे मालक मीरी पीरी दे मालक हजूर दर्शन दे रहे हन तो साध संगत दूर तो संगत एकत्र होनी शुरू हो गई एक दिन नहीं दो दिन नहीं अज कई दिनों तो जथे आ रहे ने गुरु के दर्शन करने वास्ते एक जथा जिन्हां दा जथेदार बड़े प्यार विच आके जपजी साहब दा पाठ प्रारंभ कीता है पढ़दा होया आ रहा सी जपजी साहब दे पाठ दी समाप्ति होई उस तो बाद शब्द हजारियां दा पाठ कीता है शब्द हजारियां दा पाठ करदियां करदियां जिस वेले समाप्ति कीती ते पता नहीं की मन विच विचार आई उस वेले झूम के प्यार दे नाल गा रहे है पिता मेरो वड्डो धनी अगमा गरीब नवार पातशाह जगत मालिक दे प्यार विच इउं करके जथे दी शक्ल दे अंदर गाउंदे होए आ रहे ने आओ तां आपां वी प्यार नाल गाईए सारे माई भाई गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे आओ कुछ मिनटां दे अंदर अज आपां दर्शन करने हन साहिब सच्चे पातशाह किवें रहमतां ते बख्शिशां करदे हन सारे माई भाई प्यार नाल आखो पिता मेरो बड़ो तनी अगमा पिता मेरो बैठो तनी अगमा
उस्त कवन करी जय करते देख रहे विस्मा। उस्त कवन करी जय करते देख रहे विस्मा। पिता मेरो बैठो तनी अगमा, पिता मेरो बैठो तनी अगमा, पिता मेरो बैठो तनी, पिता मेरो बैठो तनी अगमा। पिता मेरो बैठो तनी अगमा, 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 पिता मेरो बड़ो तनी अगमा। उस्तत कवन करी जय करते पेख रहे बिस्मा। ओ तन हन गुरसिख जेड़े गुरु दे दर्शन करन वास्ते जा रहे हन, ओ तन हन चरण जेड़े गुरु दी दरगाह वल तुर के जांदे ने। सहब सचे पातशाह जगत मालक अपनी बाणी दे अंदर फरमान करदे हन, तन तन सो गुरसिख कहिए, तन तन सो गुरसिख कहिए, जो सतगुर चरणी जाए पिया, जो सतगुर चरणी जाए पिया, तन तन सो गुरसिख कहिए, जिन हर नामा मुख राम कहा। तन तन सो गुरसिख कहिए, जिस हर नाम सुनिए मन आनंद भया। तन तन सो गुर सिख कहिए, जिन सत गुर सेवा कर हर नाम लिया। तन तन सो गुर सिख कहिए, जिन सत गुर सेवा कर हर नाम लिया। तिस गुर सिख को हों सदा नमस्कारी, तिस गुर सिख को हों सदा नमस्कारी, जो गुर के पाणे गुर सिख चलिया। इत्थे ही बस नहीं, एक होर जगह हजूर बयान करदे हन, तन तन पागत ना भगत जना, जो हर नामा, जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन पाग तिना संत जना, जो हर जस सवणी सुनतिया। तन तन पाग तिना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। तन तन पाग तिना गुरमुखा, जो गुर सिख ले मन जिणतिया। सब दू वड्डे पाग गुर सिखां के, सब दू वड्डे पाग गुर सिखां के, जो गुर चरणी सिख पढ़तिया, जो गुर चरणी सिख पढ़तिया, आखो सतनाम श्रीवार। भाई सब तो वड्डे भाग, सब तो उच्चे भाग उहदे ने जो गुरु दे चरणा दे उत्ते आके शीस नवाउंदा है, गुरु दे चरणा दे उत्ते आके मथा टेकदा है। आप कितने उच्चे भागां वाले हो, पावन है आप जी दा शीस जिहड़ा गुरु दे चरणा दे उत्ते अमृत वेले आके चुके है। एक वारी फिर झुकाओ ते प्यार नाल गर के आखो सतनाम। मेरे गरीब नवार पातशाह जी दे दर्शन करन वास्ते गुरसिख जा रहे ने, प्यास लगी पानी दा गिलास लियाओ जी। पानी मुकिया होया सी, नाल दे साथी ने आखिया, बाबा जी ए सामने बुताला पिंड है, बार बार खूह दे उत्ते कोई बच्चा बैठा होया जापदा गादी ते, चलो उत्थे चल के पानी पी लैंदे हां। गादी उत्ते एक छोटा जिहा नौजवान बच्चा बैठा होया, कुछ गुणगुणा रहा सी, कुछ अपने आपे विच खोया होया सी।
कुछ अपने रंग विच रता हो ऐसी गुणगुणा रहे ऐसी ए संघ जिस वेले खूह दे उत्ते पहुंचा बाबे ने आवाज देती बेटा बच्चा पिछे मुड़ के तके है जी बाबा हुक्म करो की कहना चाहुंदे बेटा सानू पानी पिलावेगा हां बाबा क्यों ना पिलावांगा मेरी मां ने ते मैनू सदा ये उपदेश दिता बेटा तू उस खूह दे उत्ते बैठ के आए गए यात्रू नू पानी पिलाए बगैर ना जान दिया कर पानी पिलाया कर पानी दी सेवा करया कर पता नहीं केड़े वेश विच ओ आ जावे ते तेनू दर्शन दे जावे एक आखो प्यार नाल सतनाम ए मां ने उपदेश दिता सी रोज पानी पिलाउंदा जेड़ा भी आउंदा ए बच्चा छेती दे के खूह दे विच उतर गया माल नू पकड़िया ते खूह विच उतर गया लकड़ी दियां टिंडां हुंदियां सन उस वेले पुराने समय दे अंदर हेठां जाके एक टिंड नू खोलिया ते पानी भरिया आके उपर इस बाबे दे बुक विच पानी पा दिता है बाबे ने बुक कीता है हथ विच पानी पा दिता है ते मन विच पता नहीं की विचार आया बेटा मैं तेनू एक गल पुछना चाहुंदा हां कहो बाबा तुसी की कहना चाहुंदे हो बेटा मैं तेनू पुछना चाहुंदा हां कि तुसी कौन हुंदे हो एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम जी असी सरवरीए हुंदे हां सरवरीए हां सरवरीए पानी डोल दिता जदों बुक डोलिया ते बच्चे ने पुछिया बाबा तुसी बुक पानी दा क्यों डोल दिता है सरवरीए माड़े हुंदे हन हां बेटा साडे गुरु दा हुक्म है जेड़े कबरां दी पूजा करन जेड़े मुर्दियां दी पूजा करन उन्हां दे हत्थों लैके कुछ खाणा नहीं कुछ पीणा नहीं एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम ए साडे गुरु दा हुक्म है तुसी कबरां दी पूजा करदे हो तुसी निर्जीव दी पूजा करदे हो इस वास्ते तुहाडे हत्थों लैके कुछ खाणा नहीं बाबा जे उन्हां दी पूजा इतनी माड़ी है फिर मैं अज तो पूजा नहीं करांगा पर तुसी पानी ते पी लो ना एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम तुसी पानी पी लो इस बच्चे का मन कोमल मल जिदे अंदर ना किसी वास्ते वैर सी ना किसी वास्ते विरोध सी ना कोई ईरखा सी ए निर्मल मन सी इस बच्चे ने जोधड़ी कीती तरला कीता बाबा पानी पीते बगैर मैं नहीं जान देना चरणा नू पकड़ लिया इस बाबे ने ठोकर मारी आखिया नहीं तेरे हथों पानी नहीं पीना क्योंकि तुसी कबरां दी पूजा करदे हो तुसी निर्जीव दी पूजा करदे हो साडे सतगुरु दा हुक्म है तुहाडे हथों लैके कोई चीज नहीं खानी तो उस वेले बच्चे का दिल टुट गया पर ए पढ़दे होए प्यासे चले गए पिता मेरो बड़ो तनी अगबा अपने सतगुरु दे दर्शन करदे होए करन वास्ते जा रहे ने ते इउं करके कहंदे होए जा रहे ने पिता मेरो बड़ो तनी अगबा पिता मेरो बड़ो तनी अगबा पिता मेरो बड़ो तनी पिता मेरो बड़ो पढ़दे हुए जा रहे ने गाउंदे हुए जा रहे ने ढोलकियां ते चिमटियां दी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है इस बच्चे ने भी सुनिया कीर्तन इसने अपने कन्नां विच ए पंक्तियां वसा लिया पिता मेरो वड्डो धनी अगमा अज इस बच्चे दे मन दे उत्ते ऐसा असर होया ऐसी चोट वजी ए शाम नूं गाईयां मझियां अपने अपने घरां नूं चलिया गईयां पर ए ना गया गादी दे उत्ते बैठा होया ते गा रहे पिता मेरो वड्डो धनी अगमा रात दा पहला पहर पसर चुका सी मां ने पुछिया अजे तक मेरा लाल नहीं आया गुआंढणा नूं पुछिया किसे ने भी ए ना आखिया कि असी तके है मां वाहो दा ही उधर नूं गई जिधर रोज मझियां चारन वास्ते जाया करदा सी जिस वेले मां अगां पहुंची की तकिए दे कन्नां विच आवाज पई जाके तकिए कि लाल बैठा होया गादी दे उत्ते खूह दे उत्ते बैठा होया छेती जाके गलवकड़ी पा ली बेटा ए तू की गा रहा सी पुत्र तू घर नूं वापस नहीं आया ते बच्चे ने होर ते की कहना सी छेती दे के मां नूं गलवकड़ी पा के प्यार विच आके कहण लगा मां उन्होंने पानी नहीं पीता एक आखो प्यार नाल सतनाम मां उन्होंने पानी नहीं पीता पुत्र किन्हां ने पानी नहीं पीता कौन सन ओ कित्थों आए सन की ना सी उन्हां दा
मां मेनू होर ते पता कुछ नहीं पर इं करके कुछ गांदे जांदे सन की पिता मेरो बैठो तैनी अग मां पिता मेरो बैठो बच्चे नूं अपना रोना ते भुल गया ते मां नूं गलवकड़ी पा के कहण लगा मां मैं ते इस करके रोंदा सां कि उन्हां ने मेरे हत्थों पानी नहीं पीता पर मां मैं हैरान हुंदा हां कि तू क्यों रोई है एक बार आखो प्यार नाल सतनाम मां तू क्यों रोई है तो उस वेले मां ने मत्था चुमिया आख्या बेटा मैं गुरसिखां दी धी हां कदी मैं गुरु अर्जन पातशाह जी दे दर्शन करन वास्ते जाया करदी सां ते सरवरियां दे घर व्याही गई हां सरवरिया के घर आ गई हाँ मेरे ते पाबंदियां लग गई ने मैं गुरु के दर्शन नहीं कर सकती मैं गुरु की बाणी नहीं पढ़ सकती बेटा अज तेरे मुख चो बाणी सुनी ते सचमुच मेरे नैणा विच नीर आ गया है कि तेरी जगह दे उत्ते जे मैं बैठी होंदी ते मैं उन्होंने गुरसिखा के दर्शन ते कर लेंदी एक बार आखो प्यार सतना मैं उन्होंने दर्शन दीदारे कर लेंदी कदी सतगुरु के दर्शन करने वास्ते जाया करती सा मेरे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी मां कि मैं भी दर्शन कर सकता हाँ पर बेटा घर ते चल कर ले आई कोल बिठा लिया प्रशादा परोस के सामने रखे है बच्चा छकन लगे है ते कहन लगा मां मैं प्रशादा ता छकना मेरे ना एक दो बचन कर ले मां ने आख्या पुत्र दस की कहना चाहना है मां जिस गुरु दी ओ बाणी पढ़ते जाते सन मैं उस गुरु के दर्शन करना चाहता हाँ पुत्र ओ गुरु मेरा धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दीन दुनी का मालिक हुण छेवें जामे दे अंदर है मां छेवां जामा की है गरीब नवार पातशाह जगत मालक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे अंदर ओ काया शरीर ते दुनियादारी है पर जोत उहदे विच ओही जगमग जगमग जग रही है बेटा उन्हां दे दर्शन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे दर्शन हन जे पंजवें पातशाह जी दे दर्शन करना चाहुंदा है ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करी पर असी ते जाके दर्शन नहीं कर सकते मां फिर मैं किवें दर्शन करांगा पुत्र मैं सुनिया वह अंतर जामी सतगुरु है वह कटकड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछांत वह दिलां दा महरम है जेड़ा भी अरदास करे उसनू करा के दर्शन दे दिंदा मेरा गरीब नवाज पुत्र तू रोज याद करया कर कदी समा आवेगा के केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार कदी तो वह फरियाद सुन लवेगा ना कदी तो वह अरदास कबूल कर लवेगा ते रोज ये याद कर दे मां ते सो जांदी पर ये रात नूं बैठा होया याद करदा रहिंदा है मां ने ऐसी जाग ला दित्ती प्यार ला दित्ता है एक दिहाड़े मां नूं प्यार नाल गलवकड़ी पा के कहिंदा मां भला जे वह आ जाण ते मैं उन्हां नूं बुलावांगा किवें एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम मैं उन्हां नूं किवें बुलावांगा पुत्र जदों मैं जाया करदी सां ना गुरु अर्जन पातशाह जी दे दर्शन करन वास्ते ते एक रुपया ते गुड़ दी रोड़ी हजूर दे चरना ते रख के मत्था टेकया कर दी सां मां फिर मैनू भी गुड़ दी रोड़ी दे दे मैनू भी एक रुपया दे दे जदों हजूर आ गए ते मैं भी चरना ते मत्था ते टेक लवांगा ना पर मां मैं उन्हां नूं बुलावांगा किवें गरीब नवार पातशाह जगत मालक पुत्र जदों चरना ते तू मत्था टेकेगा ना उस वेले हजूर कहन लगे बेटा निहाल गुरसिखा निहाल गुरसिखा निहाल चरना तो सीस चुकी फिर तेनू वह आपे ही बुला लेंगे आखो प्यार ना सतनाम तेनू आपे प्यार दी गलवकड़ी च लै लेंगे मां दे नाल बड़ियां गल्लां प्यार दियां गल्लां कर रहा है मां भला ए ते दस जे वह आ जाण ते मैं उन्हां नूं किवें पछाणांगा उन्हां दियां की निशानियां ने ते मां ने सारियां निशानियां दसियां कि बेटा वह जिगा कलंगी लाउंदे ने सोहणा जिहा चोगा पहनदे ने मीरी पीरी दियां दो तलवारां पहनदे ने महान वड्डे योधे पलकार ने सोहणे जे घोड़े दे शाह सवार ने पुत्र हाँ एक निशानी याद रखी कि वह इतने बलवान ने जदों वह खलोते होंदे ने ते उन्हां दे जो हस्त कमल ने वह गोडियां दे नाल छूंदे ने इतने वह पूजां दे मालक ने एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम उन्हां दी पूजां दे अंदर बड़ा वड्डा बल है बड़ी ताकत दे मालक ने गरीब नवार पातशाह जगत मालक यह निशानियां हन हजूर दियां जे कितें मिल पैण ते दर्शन कर लवें दर्शन किते बगैर ना जान दवी जे तेनू दर्शन हो जान ते मैं निमाणी वालों भी अरदास करी कि गरीब नवाज जिथे मैनू दर्शन दिते ने उथे मेरी लाडली मां भी तुहानू याद कर दी उसनू भी चल के दर्शन दे एक आखो प्यार सतनाम
अज रोज याद करदा है, उत्थे गाधी उत्ते आ बैठदा है, सारा सारा दिन गुजर जांदा है, पल्ले दे नाल बन्निया होया और पहिया ते गुड़ दी रोड़ी, अज दा नौ पल्ला पै गया है, सारे आखदे ने पल्लिया किधर चले आए, ये पल्लिया की बनिया होया है, अपने हाणियां नूं नहीं दिता, भावें जोर लाया कि एक रुपया सानू दे दे असीं खर्च लैंदे आ, कोई चीजा लियावांगे खर्चांगे, ये गुड़ दी रोड़ी दे दे, ना भाई ये गुड़ दी रोड़ी ये रुपया मेरे सतगुरु का है, मेरे गरीब नुहार पातशाह जी की भेटा है, इहदे नाल ते मैं हजूर दे दर्शन करने हन, एक बार आखो प्यार नाल सतनाम, किसे नूं नहीं दिता, अपने पल्ले नाल बन के तुरिया फिरदा, जिथे भी सतगुरु मिल गए मैं चरणा दे उत्ते मत्था टेकांगा, ये भावना लैके अज रोज याद करदा है, रोज प्यार दे नाल हजूर दे याद विच जुड़दा है, पिता मेरो वड्डो धनी अगमा, मां ने होर भी प्यार ला दिता है, होर भी शब्द मां ने इस नूं सिखाए, पढ़दा है रोज याद करदा है, अज वह समा आया है जदों गुरु हरगोबिंद साहब सचे पातशाह दीन दुनी दे मालक हरिमंदर दे मालक हजूर जदों हरिमंदर तो रवाना होए, जिस वेले बकाले पिंड दे नेड़े पहुंचे हजूर, ढोलकियां ते चिमटियां दी आवाज दूर तक सुनाई दे रही सी, बीबियां ने सोहने सोहने कढ़े हुए दुशाले, सोहनिया सोहनिया फुलकारियां राहां दे विच वछा दित्तियां, अपने छोटे छोटे बच्चियां नूं अपनी गोदी विच चुक लिया, कि गरीब नवाज पातशाह दीन दुनी दी मालक दी जदों प्यार भरी निगाह इन्हां बच्चियां दे उत्ते पवेगी, ते इन्हां दा जीवन सवर जावेगा, एक आखो प्यार नाल सतनाम, इन्हां दा जीवन सफर जावेगा, तो हजूर जिस वेले बकाले पिंड विच पहुंचे, अगो संगतां ने बड़े प्यार दे नाल दतार पीतम पातशाह जी नूं जी आया आखे है, ते हजूर दे प्यार विच इउं करके शब्द पढ़दे हन, आओ आपां वी प्यार नाल पढ़ लईए सारे माई भाई, आवो जी आओ साजना देखा
बड़ा स्वागत किया, बड़े प्यार दे नाल चरण चुमे हजूर दे, सोहना जिहा एक तख्त बनाया हजूर दे बैठण वास्ते, के हजूर आउणगे ते सुशोभित होणगे ते हजूर दे चरण तो के चरनामत लिया जाएगा। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਖਰੀ ਪਿਆਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰੇ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ
ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਧੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਘੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਡੁੱਲ ਪਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੱਲਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲਕਾਰੇ ਵੱਜਣ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਲਕਾਰੇ ਵੱਜਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਟਕੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਸੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਸੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਪਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਖਲੋਤੇ, ਵਾਗਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਪੱਲਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਤੈਨੀ ਅਗਮਾ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਤੈਨੀ ਅਗਮਾ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਤੈਨੀ ਕਵੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਵੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ,
ਪੱਲਿਆ ਨੈਣ ਖੋਲ, ਪੱਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਪੱਲਿਆ ਨੈਣ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਪੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਖਿਆਤ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੱਲਿਆ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਨੈਣ ਖੋਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖੀਏ, ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨੈਣ ਖੋਲ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ, ਆਪੇ ਹੀ ਨੈਣ ਖੋਲ ਲਵੋ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਜੂ ਆ ਗਏ, ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ, ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਆਂਸੂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਪਏ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਸਾਖਿਆਤ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਰੂਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਿਹਾਲ, ਬੇਟਾ ਨਿਹਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲਿਆ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਲਿਆ ਨਿਹਾਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਖੋ, ਪੱਲਿਆ ਨਿਹਾਲ, ਪੱਲਿਆ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਤਿਨ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੱਲਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਵੇਂਗਾ? ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਪੱਲਿਆ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਖੋਲ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ। ਪੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਖੋਲੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਪਰਮਕਾ ਮਨੇ ਭਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੱਲਿਆ ਲਿਆ ਰੁਪਈਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪੱਲਿਆ ਲਿਆ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਕਰ। ਪੱਲੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਪਕੜਾਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੱਲਿਆ ਇਹ ਜੋ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਖੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਪੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਮਾਲਕ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਪੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਖੁੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆ ਨਾ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਲਿਆ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕੁਮਲਾਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਾਂ,
गरीब नवाज मैं पकांदी ना थकां ते तेरियां संगतां आके छकदियां ना थकन। एक बार आखो प्यार ना सतना तेरियां संगतां आके छकदियां रहन मैं सेवा करती रवां। तो उस वेले सत्संग सतगुरां ने रहमतां कीतियां बख्शिशां कीतियां सारी संगत प्यार नाल जुड़ के हजूर दी महिमा नूं इउं करके वर्णन करदी है। भाई पल्ला पल्ले दी माता अते सारियां संगतां हर जर्रे विचों मानो हर जर्रे नूं जीव लगी होवे ते मेरे हजूर दा जस इउं करके गांदे होण ते प्यार नाल सारे कह रहे होण कि पिता मेरो बड़ो तैनी अगमा पिता मेरो बड़ो अगमा पिता मेरो बैठो तनी अगमा।